हाय फ्रेंड, मैं पीराज फंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज मैं एक नए थिंकिंग के साथ और डिसीजन के साथ आपके सामने आया हूँ। मैंने फ्रेंड ये डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम के बचे 10 से 12 दिन के दरमियान में क्यों नहीं आपको एक नया तोहफा दूँ। तो फ्रेंड, मैंने ये डिसीजन किया है कि 50 नंबर इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं बुक में, करीबन 12 से 13 डेविड और रॉबिन को लगा के हैं, तो जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर का हिंदी किया जाए। तो फ्रेंड, आपको खुशी हुई ना ये न्यूज़ सुन के? तो फ्रेंड हाँ, मैं आज से 24/1/2019 से ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर का मैं हिंदी आपके पास वीडियो पहुँचाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, इसे होगा क्या, आपके बुक में या आपके बुक में ना भी रहने पे जितने भी ऑब्जेक्टिव है, तो फ्रेंड आप उस पर अच्छा कमांड बना सकते हैं। अगर आपके पास वोकैब, वर्ड पावर, सेंटेंस बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और हंसे भी अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है आवर ओन सिविलाइजेशन। ये जो लिखे हुए हैं CEM जोध के द्वारा, तो फ्रेंड सबको जानते हैं CEM जोध के द्वारा ये चैप्टर लिखे हुए, रिटन बाय CEM जोध। तो फ्रेंड, एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEM जोध, CEM जोध का फुल पूरा नाम क्या है, तो फ्रेंड ये तो बुक में भी नहीं दिए हुए हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि CEM जोध का पूरा फुल फॉर्म हुआ वह क्रिविल इडविन मिचेलसन जोध। फ्रेंड, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रिविल इडविन मिचेलसन जोध। तो इस चैप्टर में होता कुछ इस तरह है कि CEM जो होते हैं वो बताते हैं कि आज के इंसान, मॉडर्न युग में कि इंसान कैसे बदल गया, कितना बदल गया। पहले एंशिएंट ज़माने में इंसान कैसे रहते थे, अब कैसे हो गए हैं, वो अपनी लाइफ को किस पे डिपेंड कर रहे हैं। रिलीज टुडे इंडिया, आज नॉट ओनली फॉर इंडिया, होल वर्ल्ड, वो पूरा वर्ल्ड के बारे में बताते हैं कि आज जितने भी इंसान है वो कैसे बदल गए इस चैप्टर के माध्यम से। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा CEM जो बिलोंग करते हैं वो लंदन से करते हैं, और जो इस चैप्टर है आवर ऑन सिविलाइजेशन, ये जो अडोप्ट किया हुआ है ओसिस से। ये अडोप्ट कहाँ से किया है, ओसिस से, अगर ये ऑब्जेक्टिव भी निकलता है दोस्तों। तो फ्रेंड, इसे आप याद कर लें, आगे की ओर बढ़ें। तो ये चैप्टर एडोप्टेड किया है ओसिस से, और इस चैप्टर में CEM जोध कहते हैं कि आज के डेट पे इंसान कहाँ, मतलब कैसे डिपेंड, किस पे डिपेंड करने लगे। तो वह सोचते हैं कि किसी पे एग्जांपल क्यों ना देके मैं अपने आप पे एग्जांपल दे दूँ, अपने आप पे एग्जांपल देके पूरी दुनिया को मैं बताऊँ कि ये मतलब हमारा सभ्यता कैसे बदल गया, हम लोग सिविलाइज क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस चैप्टर में वो बताते हैं कि आज के डेट पे इंसान अगर सो के उठता भी है ना, तो वह एक मशीन के थ्रू उठता है। अब जान सकते हैं कि अब हर कोई इंसान अलार्म क्लॉक लगाते हैं, और पहले होता था कि मुर्गा बोलता था और इंसान 4 बजे सुबह उठ जाते थे, और आज का डेट पे है इंसान अलार्म क्लॉक लगा के ही उठते हैं, उनके बेड के सामने अलार्म क्लॉक लगी हुई रहती है। तो वो यहाँ से बताने चाहते हैं कि इंसान अपनी हर क्षण, हर मिनट, हर घंटा एक मशीन के थ्रू वह काम कर रहे हैं, मशीन पे डिपेंड कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि इंसान जो सो के उड़ते हैं वो एक मशीन के थ्रू उड़ते हैं, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड पूरी मशीन है। फिर वो बताते हैं कि वो इंसान टेकिंग बात करता है, नहाता धोता है, तो जो कि वो पानी गर्म होती है, वो पानी जो गर्म होती है वो क्या चीज़ से होती है, हीटर से होते हैं, और जो कि पूरा पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। आगे वो कहते हैं कि वो सेफ्टी लेजर का यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, और जो कि एक पूरा पूरी मशीन है। फ्रेंड, मैं एक मशीन का यहाँ पे परिभाषा आपको देता हूँ, मशीन कहते हैं किसको है, मशीन उसे कहते हैं जो हमारा काम को इजी कर दे, जो हमारा समय को बचाए, जो हमारी ऊर्जा को बचाए, उसे हम लोग मशीन कहते हैं। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड। तो वो बताते हैं कि इंसान अपनी प्रत्येक क्षण, हर मिनट पे एक मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। वो आगे बताते हैं कि इतना होने के बाद वह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जो ब्रेकफास्ट करते हैं, जो प्रिपेयर होता है, वह भी एक मशीन के थ्रू प्रिपेयर होता है। वो फिर आगे बताते हैं कि वह काम करने के लिए ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाते वक्त वो व्हीकल का यूज करते हैं, मोटरसाइकिल, ट्राम,
बस, ट्रक, जो भी यूज करें, तो वह व्हीकल में वो एक मशीन है, कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। वो फिर बताते हैं कि ऑफिस के पास जाते वक्त, ऑफिस के पास जाने के समय, वहाँ पे वो अपने फ्लोर पे जाने के लिए वो लिफ्ट का यूज करते हैं, और जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। फिर वो बताते हैं कि मैं अपना ऑफिस जाते वक्त एस्केलेटर का भी यूज करता हूँ, जो सीढ़ी होती है, जो आप जहाँ एक जगह खड़े हो जाए आपको ऑटोमेटिक दूसरे जगह स्थान पर पहुँचा देते हैं। वह फिर आगे बताते हैं कि इंसान आज का डेट पे पूरी अपनी लाइफ को डिपेंड कर रहा है तो मशीन पे कर रहा है। वो बताना चाहते हैं कि मेरे सामने, मैं जहाँ पे ऑफिस में बैठता हूँ, मेरे सामने एक न्यूज़पेपर पड़ी रहती है, और जो न्यूज़पेपर में ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, चारों तरफ का जो मेरे पास न्यूज रहती है, वह कहाँ से आती है? वह पेपर जो छपाए हैं वह भी एक मशीन के थ्रू छपाए हैं, वह जो भी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन के प्रिंटिंग हॉल जहाँ भी छपाए होंगे वह भी एक मशीन के थ्रू छपाए हुए हैं। वो बताना चाहते हैं कि आज का डेट पे हम लोग पूरा फुल्ली डिपेंड, फुल्ली रिलीज जो कर रहे हैं वो एक मशीन पे कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज का डेट पे इंसान के पास एक हाथ, दो हाथ नहीं, चार से ज़्यादा हाथ, दस हाथ, बीस हाथ है। आज के डेट पे इंसान के पास एक पैर नहीं, दो पैर नहीं, चार से दस, पंद्रह, बीस पैर हैं। उनके पास एक दिमाग नहीं, चार से पाँच से बीस से बहुत सारे दिमाग हैं। वह कैसे फ्रेंड? उनके पास आज का डेट पे लिफ्ट है, किरान है, जिससे वह एक वस्तु को दूसरे जगह स्थान पे पहुंचा देते हैं आराम से। अगर मान के चलिए कोई भी काम को, कोई भी वजन सामान को अगर मैं एक से दूसरे स्थान पे पहुंचाऊं तो उसमें काफ़ी समय लग जाएंगे, काफ़ी हमारी ऊर्जा भी खर्च होंगे। अगर वही चीज़ को किरान से प्रयोग करें तो वह चीज़ ईजिली जो है हम लोग उसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, और कोई भी बिना नुकसान के समय भी बचेगी। तो वो कहते हैं कि आज के डेट पे किरान जो है वह इंसान के एक एक्स्ट्रा आर्म बन चुके हैं। वो बताते हैं कि मोटरसाइकिल हो गए, वैन हो गए, बस हो गए, कार हो गए, ये सब जो है इंसान के एक एक्स्ट्रा लेग बन चुके हैं। कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, टैबलेट हो गए, टाइपराइटर हो गए, ये सब जो है इंसान का एक एक्स्ट्रा ब्रेन बन चुका है। जो मान के चलिए कोई भी चीज़ को कैपेसिटी हमारे पास होती है याद करने की उतनी नहीं हो सकती है, पर हम कोई भी चीज़ को डॉक्यूमेंट्री सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, उसे लंबी देर तक हमें जान सकते, याद कर सकते हैं। तो वह यहाँ तक बताते हैं कि इंसान अब पूरा पूरी फुली कॉम्प्लिकेटेड जो कर रहा है वो एक मशीन के थ्रू कर रहा है। फिर वो बताने चाहते हैं कि इंसान जो है मशीन बना के क्या लेजी बन गया? वो फिर बोलते नहीं, इंसान मशीन बना के लेजी नहीं बना है, इंसान मशीन का आविष्कार कर रहा है तो वह अपने जीवन को आराम देने के लिए, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। और जो इंसान मशीन बनाते हैं वह अपने समय को सेव करने के लिए, ऊर्जा को सेव करने के लिए, वह अपने टाइम और एनर्जी को सेव करने के लिए इंसान आज के डेट में मशीन बना रहे हैं। वह फिर बोलते हैं, वह यहाँ पे भी जो है वह सिविलाइजेशन का परिभाषा न देते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज का डेट पे अगर हमारे सिविलाइजेशन पे कोई हार्म पहुँच रहा है तो वह है पॉलिटिकल डिवीज़न, राजनीतिक दल। आज राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? आपस में दो दल हमें आपस में लड़वा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले के जो युद्ध होते थे वो तीर से होते थे, धनुष से होते थे, और आज का जो अब जो युद्ध होगा, हमारे वर्ल्ड में दो बार युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1418 और दूसरी विश्व युद्ध 1939 से 1945। और वो कहते हैं कि अब जो तीसरी युद्ध होगा वह राजनीतिक दल ही करवाएगी, और इस युद्ध में ना तो तीर चलेगी ना तो गोली चलेगी, इस युद्ध में सिर्फ जो है बम बारूद होंगे। ये जो है सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड मशीन के थ्रू ये युद्ध होने वाली है। अब जो युद्ध छिड़ेगी वह राजनीतिक दल के दल से ही छुड़ेंगे। वह कहते हैं कि आज के डेट पे इंसान इतनी सारे मैकेनिकल चीज़ बना रहे हैं, वो हमारे लिए जो है कठिन भी है, वो हमारे लिए अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं। अगर वह कहते हैं कि एक माचिस एक तिल्ली की जरकार है, अगर उस तिल्ली का उपयोग हो जाना तो हमारा ये दुनिया, हमारा ये संसार, हमारा ये वर्ल्ड एकदम जिसको बोलते हैं हम लोग छारों बन के रह जाएंगे, एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, इस चैप्टर में सीएम जोधी ये बताने चाहते हैं कि इंसान जो है अब मशीन का प्रयोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वह समय और ऊर्जा को बचाने के लिए, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। बट
सिविलाइजेशन हमें यहाँ पे जो है तोड़वाने की जो काम कर रही है वह हमारे राजनीतिक दल। आज हमारे देश, आज हम लोग कहीं भी जाते हैं मार्केटिंग में, वो बताते हैं कि अगर आज हम लोग कहीं भी मार्केटिंग में जाते हैं तो एक सामान दुनिया में तरह तरह के सामान हर जगह बनते हैं और मैं कोई भी सामान को एक स्थान पे खरीद सकते हैं, जैसे बिग बाजार, एसी मार्केट, कहीं भी एक जगह जाइए आप दुनिया के सारे सामान को एक जगह खरीद सकते हैं आप। तो इससे लगता है कि हमारा देश जो है अब एकता में आ रही है, हमारा देश सिविलाइज हो रहा है। बात सही है फ्रेंड, बट सिविलाइज को जो तोड़ने की काम कर रही है वो पॉलिटिकल डिविजन है। तो एक माचिस की जरकार है, वो माचिस अगर पड़ जाना तो हमारा पूरा ये संसार, दुनिया, हमारा ये मशीन सारा की सारा फीका पड़ जाएंगे, सारा घुल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, वही बताने चाहते हैं। तो फ्रेंड आई विश ये आपको लेसन समझ में आया होगा। और अगला मैं जो बनाने जा रहा हूँ विद द फोटोग्राफर, मैं पहले ही बनाया हूँ और मैं चाहता हूँ इसे और अच्छा बनाऊँ फ्रेंड, इसीलिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो और अच्छा लगा हो, दिल छू लिया हो, तो फ्रेंड इसे आप शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड अलविदा लेता हूँ यहाँ से, और अगला वीडियो का आप इंतज़ार करें और आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।